मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत करता हूँ मान्यता नेट जीआरएफ चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, नेट का रिजल्ट आ चुका है। आप में से बहुत सारे साथियों का नेट निकला होगा और बहुत सारे साथियों का जीआरएफ निकला होगा। तो आप लोगों में बहुत बेसब्री होगी कि इस साल जो जीआरएफ क्रैक किया है जिन लोगों ने, उनको पर मंथ कितना पैसा मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है उसी के ऊपर है कि कितना अमाउंट पर मंथ स्कॉलरशिप जीआरएफ होल्डर को मिलने वाला है। तो इसको डिटेल से देखते हैं, क्या नेट वाले को भी कुछ मिलेगा या ओनली जीआरएफ वाले को ही मिलेगा। तो इन्हीं टॉपिक पर आज का वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं 2 बार नेट जीआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ये देख सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नोटिफिकेशन है UGC का, जो कि इस बार स्कॉलरशिप बढ़ा है उसके बारे में है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट वाले छात्र को, क्या उनको स्कॉलरशिप मिलता है, मिलेगा या मिलेगा तो कितना मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, बताना चाहूँगा कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना PhD करते हैं, जैसे कि DU, JNU, जामिया, इन सभी से, तब आपका नेट भी क्रैक है, फिर भी आपको स्कॉलरशिप 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ नेट वाले को भी मिलता है। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ पर नेट वाले को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप है आपके पास, JRF है, तब आप कहीं भी एडमिशन कराइए, हर जगह आपको, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी आपका PhD में एडमिशन होगा सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कितना मिलेगा, पहले कितना मिलता था और इस बार कितना बढ़ा है। तो ये देख लेते हैं, ये देख सकते हैं कि JRF के लिए पहले 25,000 पर मंथ मिलता था, इस बार रिवाइज करके उसको 31,000 कर दिया गया है, ठीक है। और सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF के लिए 28,000 पर मंथ मिलता था, उसको 35,000 पर मंथ कर दिया गया है। और साथियों, सिर्फ यही नहीं मिलता है, इसके अलावा आपको HRA भी मिलता है, इसके अलावा और बहुत सारे स्टेशनरी वगैरह के लिए भी मिलता है। कुल मिलाकर ये अमाउंट 40,000 के आसपास पहुँच जाता है अगर आप JRF हैं। तो अगर जिन लोगों का JRF निकल गया है, वो जल्द से जल्द PhD में अपना एडमिशन कराइए और अपने स्कॉलरशिप को उठाइए। और जिन लोगों का इस बार नेट या JRF निकलने से रह गया है, उनको बस अपना मेहनत जारी रखना है, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपका फॉर्म आएगा और जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका JRF नहीं निकल पा रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास 2-2 बार नेट JRF एग्ज़ाम क्रैक करने का अनुभव है, तो मैंने कैसे निकाला है आपको अपना अनुभव शेयर करते रहूँगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेहनत की तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी होना आज के डेट में ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो होता है कि कौन से टॉपिक को छोड़ना है, वो चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है। ये उन्हीं लोगों को पता होती है जो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके होते हैं। तो ये सभी चीज़ों पर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, खास करके Paper 1 के लिए। अगर आपको JRF क्रैक करना है तो आपको अपना Paper 1 बहुत ही स्ट्रांग करना होगा, तभी आपका JRF क्रैक हो पाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ आपको PDF मिलेगा Paper 1 से संबंधित, Paper 2 में अगर आपका हिंदी लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो इन सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको Paper 2 से संबंधित कंटेंट भी मिलेगा। साथ ही मैं अपने तैयारी के दौरान जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय जो मैंने अपना नोट्स बनाया था वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आप देख रहे थे मान्यता नेट जीआरएफ चैनल। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।